तो हेलो फ्रेंड, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग ट्रिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अगर आप एक यूट्यूबर है या फिर ब्लॉगर है तो ये वीडियो आपके लिए है। अदरवाइज अगर आप एक फोटो एडिटर है तो ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। और एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, अभी तक अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको भी ऑन कर दीजिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो आज का वीडियो है कि आपका जो इमेज है, आपका इमेज का जो बैकग्राउंड है उसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं और भी परफेक्टली। सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ, ना मैं यहाँ पर फोटोशॉप्स का हेल्प लेने वाला हूँ, ना मैं अदर्स कोई फोटो एडिटेड ऐप्स का हेल्प लेने वाला हूँ। यहाँ पर मैं एक ऐसा वेबसाइट के बारे में बात करूंगा जिस वेबसाइट में आप जाके आपका जो फोटो है उसका बैकग्राउंड को परफेक्टली रिमूव कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है या फिर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है। सिंपल प्रोसेस है, आपका जो फोटो है उस फोटो को सिलेक्ट करके जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को आप परफेक्टली रिमूव कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर, ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर कि ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि जितना भी मेरा फ्रेंड लोग है उन लोग को ये पता चले 5 से 10 सेकेंड के अंदर किस तरह से आपका फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं परफेक्टली। ना ही कोई फोटोशॉप एप्लीकेशन का जरूरत है, ना ही कोई सॉफ्टवेयर का जरूरत है, ना ही कोई एप्स का जरूरत है। तो चलिए देख लेते हैं आप किस तरह से इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा, आप इसको अपने फोन में भी अप्लाई कर सकते हैं और आपका डेस्कटॉप में भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए देख लेते हैं बैकग्राउंड के इमेज को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं परफेक्टली। ओके फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं अपना मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं जिस ब्राउजर का यूज़ करूँगा उस ब्राउजर का नाम है क्रोम ब्राउजर। ओके, तो आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पर डेस्कटॉप मोड में सेट कर लेना है। आप डेस्कटॉप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो अब आपको उस साइट में जाना है, उस साइट का नाम है remove.pg। बहुत ही पॉपुलर साइट है और ज़्यादातर जितना भी यूट्यूबर है इस साइट को यूज़ करते हैं। तो चलिए इसका जो फीचर्स है बाकी का मैं दिखाता हूँ, वीडियो के साथ बने रहिए। तो देखिए इस साइट जो है ये ओपन हो गया है। तो यहाँ पर आपको कोई ग्रीन स्क्रीन का जरूरत नहीं है बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, बाद दूसरा कोई कलर का जरूरत नहीं है। आपका जो फोटो है सिंपली आप उस फोटो को इसमें अपलोड करिए और अपलोड करने के बाद आपका जो फोटो है वो उसका बैकग्राउंड को चेंज कर देता है। ओके, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट फ़ोटो में टच करता हूँ। जैसे ही सिलेक्ट फ़ोटो में टच करता हूँ तो देखिए मैं इस फ़ोटो को चूज़ कर लेता हूँ एंड डन कर देता हूँ। तो जैसे मैं सिलेक्ट फ़ोटो में टच करता हूँ और उसके बाद इस फ़ोटो को चूज़ कर लेता हूँ तो देख सकते हैं ये जो फ़ोटो है ये अपलोड हो गया है इस साइड में। ओके, तो ये मेरा ओरिजिनल फ़ोटो है और उसके बाद इसका बैकग्राउंड रिमूव होकर इस टाइप का आपको फ़ोटो मिल जाता है। ओके, तो देख सकते बहुत ही बढ़िया और बहुत ही नीट एंड क्लीन आपको इसका बैकग्राउंड रिमूव हुआ है। ओके, तो इसका बैकग्राउंड बहुत ही नीट एंड क्लीन रिमूव हुआ है, आप देख सकते हैं। ओके, तो बहुत ही हेल्पफुल है। अरे आपका देख सकते हैं 5 से 6 सेकंड के अंदर में ही ये इसका बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पर और एक ऑप्शन है एडिट का। अगर आप एडिट में जाते हैं तो ये जो फोटो है इसमें आप एडिट कर सकते हैं इसका बैकग्राउंड को। ओके, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है जैसे कि कलर फोटो। ओके, तो अगर आप इसका बैकग्राउंड में कलर देना चाहते हैं कोई, ओके, तो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये मेरे से ये हो गया था। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर कोई कलर व फोटो देना चाहता हूँ तो दे सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर कलर ऑप्शन है, अगर कलर में मैं जाता हूँ और कलर में टच करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड में आपको जो कलर है यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं उस कलर को। तो यहाँ पर उस कलर का नंबर देके आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो कलर आपको देना है। ओके, तो मैं इस कलर को चूज़ किया हूँ तो देख सकते हैं इसके बैकग्राउंड में जो है पर्पल कलर आ गया है। ओके, अगर आप चाहते कि नहीं इसमें मैं फ़ोटो देना चाहता हूँ तो फ़ोटो ऑप्शन में आपको टच करना है। जैसे आप फ़ोटो ऑप्शन में टच करते हैं तो देखिए लेफ़्ट कॉर्नर में आपको बहुत सारा फ़ोटो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको एक फ़ोटो चूज़ कर लेना है और इसमें दे देना है। ओके, मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ तो इसका जो बैकग्राउंड है इसका बैकग्राउंड में ये फ़ोटो सेलेक्ट हो चुका है। ओके, तो बहुत ही कूल ऑप्शन है। ये हो जाने के बाद आप इसको यहाँ से जो है सेव कर सकते हो। ओके, तो चलिए अब मैं अपने एक फ़ोटो यहाँ पर देता हूँ
और फोटो दे के मैं दिखा देता हूँ कि इसमें कैसे करके जो है आपका बैकग्राउंड को रिमूव करता है। तो मैं बैक कर लेता हूँ और फिर से इस साइड में जाता हूँ। जाने के बाद अब मैं अपना एक फ़ोटो यहाँ पर देता हूँ। तो ये बहुत ही बढ़िया साइड इफेक्ट, अगर आप एक नया यूट्यूबर है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस साइट का हेल्प लें। ओके, आपको बहुत ही बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो मैं इस ये जो फ़ोटो है ये वाला फ़ोटो को मैं सिलेक्ट करता हूँ। ओके ओके, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, आपका जो फ़ोटो है उसका साइज मैक्सिमम 8 MB तक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब मैं उस फ़ोटो को मैंने सिलेक्ट किया था तो यहाँ पर वार्निंग दे दिया है कि द मैक्सिमम फाइल साइज इज 8 MB, तो 8 MB तक होना चाहिए। उससे अगर ज़्यादा होता है तो आपका ये जो वेबसाइट है इसमें एक्सेप्ट नहीं करता है। ओके, तो मैं दूसरा फ़ोटो दे के देखता हूँ। तो ये फ़ोटो जो है एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, तो ये अपलोड हो रहा है इस साइड में। तो यहाँ पर कोई जानवर का अगर फ़ोटो देते हैं तो उसके साथ कोई इंसान होना चाहिए, तो अगर कोई इंसान रहते हैं तभी क्या होता है उसका बैकग्राउंड को रिमूव करता है। ओके, सिर्फ आप जानवर का अगर फ़ोटो दे देते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर बैकग्राउंड में जो भी इमेज है रिमूव नहीं होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, और क्वालिटी की अगर बात किया जाए फ़ोटो का, तो नॉर्मल क्वालिटी है जैसे नॉर्मल क्वालिटी होना चाहिए। ओके, आपका हाई क्वालिटी का आपका फ़ोटो नहीं मिलता है यहाँ पर, नॉर्मल क्वालिटी का फ़ोटो मिलता है, लेकिन हाँ बहुत ही बढ़िया है। तो मैंने इस फ़ोटो को दिया था यहाँ पर। ओके, अब इसका जो बैकग्राउंड है पूरा देखिए यहाँ पर चेंज हो गया है। ओके, पूरा रिमूव कर दिया इसका बैकग्राउंड को, तो बहुत ही बारीकी से यहाँ पर आपका जो बैकग्राउंड है रिमूव हो गया है। ओके, तो आपका इसमें क्या होता है, टाइम भी सेव होता है और आप इसमें बहुत इजी तरीके से आपका जो इमेज है उसका बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पर कलर देना चाहूँगा मेरे बैकग्राउंड में, तो यहाँ से मैं कलर चूज़ करता हूँ और एक कलर यहाँ पर दे देता हूँ। ओके, तो ये जो कलर है मेरा बैकग्राउंड में सेलेक्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं फ़ोटो भी दे सकता हूँ। ओके, तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है फ्रेंड, इस जो वेबसाइट है इस वेबसाइट को आप यूज़ कर सकते हैं और आपका जो इमेज है उस इमेज का बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं विद इन 5 सेकेंड में। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगते, 5 सेकेंड में जो है आपका इमेज का बैकग्राउंड को रिमूव करके परफेक्ट एक बैकग्राउंड आपको यहाँ पर मिल जाता है। ओके, तो 5 से 6 सेकंड के अंदर आपका जो इमेज है उसका बैकग्राउंड को रिमूव कर देता है और एक परफेक्ट इमेज आपको मिल जाता है इस वेबसाइट पे। तो इसके लिए आपको ना ही कोई फोटोशॉप को डाउनलोड करना पड़ेगा, ना ही कोई फोटो एडिटर ऐप्स को डाउनलोड करना पड़ेगा। करिए, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही हेल्पफुल है, टाइम भी इसमें सेव होता है। तो आज का वीडियो में इतना ही फ्रेंड, अगर आपको इस वेबसाइट यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं, मैं पूरा हेल्प करने का कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।